हाय नासान ओहाय कोंचा कुमाओ गिंकी देस का गाइस, आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो बच्चे चाहते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जापानी लैंग्वेज को पढ़े। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे हैं, मेरे को काफ़ी सारे मैसेजेस भी आते हैं कि भैया बताओ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से जापानी लैंग्वेज अगर पढ़ना हो तो हम कैसे आगे करें, कैसे मतलब प्रोसेस क्या होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जापानीज लैंग्वेज के लिए एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है, फॉर्म्स कब निकलते हैं, या फिर कौन कौन से कोर्सेज है, पार्ट टाइम कोर्सेज, फुल टाइम कोर्सेज में बच्चे कन्फ्यूज़ रहते हैं, ठीक है ना, और फीस कितनी है, कौन सा लेवल JLPT के किस लेवल को कवर करेगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। बाकी अगर फिर भी कुछ चीज़ें रह जाती है तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पर जाकर के हमें ज्वाइन कर सकती हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आप वहाँ पर किसी भी टाइम हमसे पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम रोहित, आप देख रहे हैं में मशो। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको जापानीज लैंग्वेज पढ़नी है तो यहाँ पे आपको दो टाइप के कोर्सेज मिलेंगे देखने को। पहला होता है पार्ट टाइम कोर्स और दूसरा होता है फुल टाइम कोर्स। ठीक है, देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड में आपको दिखेगा पार्ट टाइम कोर्स और राइट साइड में दिखेगा फुल टाइम कोर्स। तो दो टाइप के कोर्सेज आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है पढ़ने के लिए, पार्ट टाइम कोर्स और फुल टाइम कोर्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम पार्ट टाइम कोर्स की। हम सबसे पहले बात करेंगे पार्ट टाइम कोर्स से रिलेटेड सब चीज़ें, जितने भी सब चीज़ें हैं ना, प्रोसेस वगैरह, फॉर्म्स कब निकलते हैं, ठीक है, तो वो सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पार्ट टाइम कोर्स है ना, जो इसके एक बार मैं बता देता हूँ कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरा है डिप्लोमा कोर्स, तीसरा है एडवांस डिप्लोमा कोर्स। ये तीन कोर्स है पार्ट टाइम कोर्स। ठीक है, फुल टाइम कोर्स की बात हम बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ पार्ट टाइम कोर्स को रिलेटेड चलेंगे। तो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स और एडवांस डिप्लोमा कोर्स, ये सब आपको मिलेंगे पार्ट टाइम कोर्सेज में, जिसे हम बोलते हैं JP1, JP2 और JP3। ठीक है ना, शॉर्ट्स में हम इनको यही बोलते हैं कि JP1, JP2 और JP3, यानी कि JP मतलब जापानीज पार्ट टाइम कोर्स 1, जापानीज पार्ट टाइम कोर्स 2 और जापानीज पार्ट टाइम कोर्स 3। इनके जो फॉर्म्स निकलते हैं वो गाइस जुलाई के एंड, ठीक है ना, जून जुलाई के आसपास ही निकलते हैं, या फिर जुलाई का फर्स्ट वीक और जुलाई के एंड तक इसके फॉर्म्स निकल जाते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और आप भर सकते हो अपने 12th बेस पर आसानी, कभी भी भर के आप वहां पर रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर आती है हम अब पार्ट टाइम कोर्स जो कॉलेजेस हैं दिल्ली में वो कौन कौन से हैं जो आपको पार्ट टाइम कोर्स प्रोवाइड कराते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में जापानीज लैंग्वेज से रिलेटेड। बात कर रहे हैं हम सिर्फ जापानीज लैंग्वेज की, किसी अदर लैंग्वेज की बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये जो सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, एडवांस डिप्लोमा कोर्स है, ये हर लैंग्वेज, हर कॉलेजेस नहीं कराते, ये कोई कोई कॉलेज ही कराते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके सामने नाम है, 9 कॉलेजेस हैं, आप देख सकते हो। पहला है श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, ठीक है, जो माल रोड पे है। तो वो कॉलेज आपको सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कराता है जो कि होता है 1 साल का। ठीक है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स तीनों ही 1-1 साल के होते हैं। तो माल रोड पे जो खालसा कॉलेज है वो आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराता है सिर्फ, वो आपको डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स नहीं कराता। सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आपको वहाँ से डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स के लिए किसी और कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो तो मेरिट बेस पे ही आपके एडमिशन होते हैं। तो सेकंड जो हमारा कॉलेज है वो है सेंट स्टीफन कॉलेज, ठीक है, नॉर्थ कैंपस में ही है। तो ये आपका जो कॉलेज है ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा तीनों ही कोर्स कराता है। ठीक है, तीनों 1-1 साल के होते हैं। थर्ड कॉलेज है लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये शायद गर्ल्स कॉलेज है, ये अशोक विहार में है, ये आपको सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। दौलतराम कॉलेज है, ये मुरिसनगर में है, ये सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा तीनों ही कोर्स यहाँ पे आपको कराता है। ओके, नेक्स्ट है श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, ये आपको पीतमपुरा में है, ये सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे मिरांडा हाउस पटेल चेस्ट मार्ग पे है, जो कि आपको सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स कराता है, और ये भी शायद गर्ल्स कॉलेज है। ओके, नेक्स्ट है सामलाल कॉलेज, ये आपको सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा दोनों कोर्स कराता है, ये एडवांस डिप्लोमा नहीं कराता। और नेक्स्ट है रामलाल आनंद कॉलेज साउथ मोती नगर, ये आपको सर्टिफिकेट कोर्स कराता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि सर्टिफिकेट, डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा ये तीनों कोर्स जो कराता है वो सिर्फ दो ही कॉलेज है, एक तो सेंट स्टीफन और एक दौलतराम। ठीक है, तो आपको डिसाइड करना है आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। बाकी हम बात करेंगे आगे मेरे अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, ये भी हम बात करेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर मेरिट, ठीक है, किस बेस पे आपके जो एडमिशन होते हैं वो मेरिट बेस पे होते हैं, और मेरिट किस कॉलेज की कितनी कितनी जाती है। ठीक है, वैसे तो इतने सारे कॉलेज है, इतने सारे कॉलेज की मैं बात करूँ तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो मेरे अकॉर्डिंग
चार कॉलेज है जो जिसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग चार कॉलेज है, सेंट स्टीफन कॉलेज, DRC कॉलेज, रामदास कॉलेज और श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। ठीक है, तो इन ये जो चार कॉलेजेस हैं इसमें सबसे ऊपर आता है सेंट स्टीफन कॉलेज। इसमें जो मेरिट जाती है वो 90 से लेकर के आपकी 80 तक जाती है। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट कट ऑफ जो जाएगी वो 90 तक जाएगी, सेकेंड 85, थर्ड 80 तक, लास्ट 80 तक कट ऑफ जाती है। उसके बाद ये एडमिशन ऑफ कर देते हैं, उसके बाद ये एडमिशन नहीं लेते बच्चों का। ओके, तो अगर आपके पास SC ST OBC कोटा है तो आपको थोड़ा सा कंपनसेशन मिल सकता है, बट उसके अलावा जनरल जो बच्चे हैं जनरल कैटेगरी के उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। उनको जो है जितने मार्क्स है उतने पे ही आपको एडमिशन मिलेगा। तो सेंट स्टीफन कॉलेज है तो वो आपको 80 से लेकर के 90 के बीच अगर आपके नंबर है तो आपका हाँ डेफिनेटली वहाँ पर नंबर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है DRC कॉलेज। DRC कॉलेज में सब पहली कट ऑफ जो जाती है 85 की जाती है और लास्ट वाली कट ऑफ 75 तक चली जाती है। ओके, रामजस में भी सेम ही है कि शुरू 85 से और लास्ट 75 तक। नेक्स्ट है SGTB खालसा कॉलेज जो है, श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज माल रोड पे जो है, उसकी जो कट ऑफ है वो 80 से और 55 लास्ट जाती है। तो ये मत सोचना कि श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज बेकार है, क्योंकि आप सोचोगे कि कट ऑफ कम जा रही है तो बेकार कॉलेज होगा। नहीं गाइस, क्योंकि ये कॉलेज कट ऑफ इसलिए कम रखता है क्योंकि इनके पास एडवांस डिप्लोमा और डिप्लोमा कोर्सेज नहीं कराते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सर्टिफिकेट वाले बच्चे हमारे पास आ जाएं, हम उनको अच्छी नॉलेज या अच्छी एजुकेशन दें, तो उसके बाद वो अगले ईयर किसी और कॉलेज में मूव कर जाएं। ठीक है, तो ये मत सोचना बेकार कॉलेज है, लेकिन काफ़ी अच्छा कॉलेज है। मैं खुद खालसा कॉलेज से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। तो मेरे अकॉर्डिंग आप ये जो चार कॉलेज है इसमें जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज में, सारे अच्छे कॉलेज हैं। सेंट स्टीफन कॉलेज फर्स्ट प्रायोरिटी रखना अपनी, उसके बाद अगर नहीं होता है वहाँ पे तो आप किसी भी कॉलेज में जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका आता है फीस। आप किस कॉलेज की फीस कितनी कितनी है, सेंट स्टीफन कॉलेज जो सेंट स्टीफन कॉलेज है उसकी फीस है 25K, यानी कि 25,000 आपकी फीस उसकी मिलेगी। अप्रोक्स इतनी मिलेगी, उससे ज़्यादा कम हो सकती है, लेकिन हाँ ये नहीं होगी 25 से सीधा 30 हो जाएगी। हाँ 26 हो सकती है, 24 भी हो सकती है। ओके, ये ध्यान रखना। DRC कॉलेज, रामजस कॉलेज, श्री गुरु तेग बहादुर कॉलेज, इनकी सबकी 20,000 के आसपास ही होती है। तीनों कोर्सेज के लिए बता रहा हूँ मैं, चाहे आपका साइंटिस्ट, चाहे आपका ये सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या एडवांस डिप्लोमा कोर्स हो, ये तीनों कोर्स के लिए ही आपकी इतनी ही फीस बैठेगी ऑलमोस्ट। ठीक है ना, हर साल। सो गाइस, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर JLPT को पार्ट टाइम कोर्स से अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा कोर्स कितने लेवल को कवर करता है JLPT के ऑलमोस्ट, तो सर्टिफिकेट जो कोर्स है JP1 यहाँ पर आपके N5 लेवल को कवर करता है ऑलमोस्ट। ठीक है ना, और डिप्लोमा कोर्स आपके N4 लेवल को कवर करेगा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स आपके N3 और थोड़ा सा N3 से अपर लेवल को कवर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये कोर्सेज हैं ये तो हो गई आपके लेवल JLPT को लेकर के बात। अगर मैं बात करूँ कि सर्टिफिकेट कोर्स में आपकी क्लासेस किस हिसाब से चलती हैं, तो वो वीकली 3 क्लासेस होती है आपकी, मतलब अल्टरनेट क्लासेस होगी, वीकली आपको 3 क्लासेस मिलेगी और एक क्लासेस होगी आपकी 2 घंटे की। ठीक है, तो 2 घंटे की आपकी एक क्लासेस होगी और सर्टिफिकेट कोर्स में आपको टीचर्स भी शायद 2 मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक टीचर होगा जो आपकी 2 क्लासेस लेगा और एक टीचर होगा आपकी जो 1 क्लासेस लेगा। ठीक है, तो हफ्ते में 3 क्लासेस आपको मिलेगी, संडे सैटरडे ऑफ रहेगा। ठीक है, तो ये तो रही आपकी पार्ट टाइम कोर्स की बात। ये टोटल आपको मैंने बताया कि पार्ट टाइम कोर्स में आप किस तरीके से चलता है पार्ट टाइम कोर्स जैपनीज लैंग्वेज का दिल्ली यूनिवर्सिटी से। अब हम बात करते हैं फुल टाइम कोर्स की। ठीक है, तो फुल टाइम कोर्स जो है यहाँ पे आपका, वो उसमें कौन कौन से कोर्सेज आते हैं पहले हम वो देखते हैं। तो पहला है आपका इंटेंसिव डिप्लोमा कोर्स, जिसे हम बोलते हैं JF1। JF1 मतलब जैपनीज फुल टाइम कोर्स फर्स्ट। ठीक है, फुल फॉर्म JF की फुल फॉर्म है जैपनीज फुल टाइम कोर्स फर्स्ट। फिर है इंटेंसिव एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्स, वो है आपका JF2। ठीक है, तो इन JF1 भी आपका 1 साल का होगा, JF2 भी आपका 1 साल का होगा। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप फुल टाइम कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप मास्टर्स भी कर सकते हैं। ठीक है, मास्टर्स भी कर सकते हैं और आप वहाँ पे PhD भी कर सकते हैं जापानीज लैंग्वेज में। ठीक है, कहाँ से कर सकते हैं ये देखिए अब हम बताते हैं आपको, कि अगर इसका जो कॉलेज है वो है सिर्फ आर्ट फैकल्टी में, डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडी। ठीक है, वहाँ से आप फुल टाइम कोर्स कर सकते हैं, उसके अलावा आप कहीं से भी फुल टाइम कोर्स जापानीज लैंग्वेज में नहीं कर सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आपको जापानीज लैंग्वेज फुल टाइम कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको आर्ट फैकल्टी में जो डिपार्टमेंट ऑफ
ईस्ट एशियन स्टडीज़ है, वहाँ पे जा करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ईस्ट एशियन स्टडीज़ यानी कि यहाँ पे आपको ईस्ट एशिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनकी लैंग्वेज यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, ठीक है। तो जापान भी ईस्ट एशिया में ही आता है, तो इसलिए जापानी लैंग्वेज भी यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में सिखाई जाती है, और इस डिपार्टमेंट से आप मास्टर्स पीएचडी तक जा सकते हैं जापानी लैंग्वेज में, ओके। तो जो बच्चे चाहते हैं कि मैं पीएचडी करूँ जापानी लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पे डेफिनेटली ईस्ट एशियन स्टडी में एडमिशन लीजिए और वहाँ से अपनी जापानी लैंग्वेज की स्टडी को कंटिन्यू कीजिए, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम बात करते हैं क्राइटेरिया। जो डिपार्टमेंट है ईस्ट एशियन डिपार्टमेंट आर्ट फैकल्टी में, तो उसका क्राइटेरिया क्या रखते हैं, GF1 जो है आपका फर्स्ट ईयर जो होता है, तो GF1 में जाने के लिए आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए आपके उसमें। तो इससे आपको पता लगा कि हर कोई फुल टाइम कोर्स नहीं कर सकता जापानी लैंग्वेज में। डिप्लोमा अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, इंटेंसिव डिप्लोमा जो है अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो ड्यू में रेगुलर कोर्स के साथ, तो यहाँ पे हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद ही आप कर सकते हो ना, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, तो इसलिए इस कारण से बच्चे पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन ले लेते हैं, क्योंकि फुल टाइम कोर्स में वो जा नहीं सकते, क्योंकि उनकी अभी अभी 12th करी है जिसने, तो उसने 12th करी है तो भाई उसके पास ग्रेजुएशन तो है नहीं, अब 3 साल तक वो बैठ रहेगा तो जापानी लैंग्वेज तो सीख नहीं पाएगा। तो इसलिए अगर वो जापानी लैंग्वेज सीखना चाहता है तो पार्ट टाइम कोर्स में जा सकता है, पार्ट टाइम कोर्स में आराम से एडमिशन लेके पढ़ सकता है और साइड बाय साइड अपना कुछ और भी पढ़ सकता है। बाकी अगर आपको पार्ट टाइम कोर्स के बाद सेकेंड ईयर के बाद आप मूव कर सकते हो GF2 में भी, मतलब फुल टाइम कोर्स में भी कैसे मूव कर सकते हो ये मैं आगे बताऊंगा आपको, पार्ट टाइम कोर्स से फुल टाइम कोर्स में कैसे मूव करोगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया जो है आपका, पहले अगर जो बच्चे जिन बच्चों की ग्रेजुएशन हो चुकी है और वो फ्रेशर है अभी, उनको कुछ नहीं पता जापानीज में और वो चाहते हैं कि मैं जापानीज लैंग्वेज पढ़ूँ फुल टाइम कोर्स के साथ, तो उनके लिए सबसे बेटर होगा कि वो डिपार्टमेंट से पढ़े और GF1 जो है यहाँ पे आपका, क्योंकि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके 45% मार्क्स है अगर आपके, तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा GF1 कोर्स के लिए डिपार्टमेंट में, ठीक है, अगर आप जापानीज लैंग्वेज में एडवांस मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं। तो एंट्रेंस टेस्ट में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग। इंग्लिश आपकी नॉर्मल होगी, मैथ्स आपकी नॉर्मल होगी, और रीजनिंग जो होती है वो थोड़ी सी टफ पड़ती है, क्योंकि रीजनिंग यहाँ पे नॉर्मल रीजनिंग नहीं होती, और रीजनिंग थोड़ी सी इमेजिनरी रीजनिंग जो होती है, इंग्लिश वर्ड्स को अलग अलग तरीके से कन्वर्ट कर दिया जाता है वो आपको। अगर आपको देखिए टेस्ट पेपर चाहिए इसके, तो आप मुझे, मैंने बताया ना टेलीग्राम लिंक है जो हमारा, टेलीग्राम जो ग्रुप है हमारा, वहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन करिए और वहाँ पे आप हमें बोलिए कि सर जो चाहिए आप मांगिए, हम आपको दे देंगे। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट चाहिए इसके तो आप बोल सकते हैं हमें कि सर हमें एंट्रेंस पेपर जो होते हैं इसके वो दीजिए, तो हम वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा देंगे, ओके। तो ये तो बात हुई आपकी GF1 की, जो बच्चे GF1 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ओके। जो बच्चे GF2 में एडमिशन लेना चाहते हैं, ठीक है, जो बच्चे डायरेक्टली GF2 में, क्योंकि आप जरूरी नहीं कि JP1 JF1 करना पड़े आपको, आप GF2 भी डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होगा कि सबसे पहले आपका GF1 कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात कहोगे आप, ये तो वही बात पड़ गई कि GF1 करना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो GF2 करना है आपको, तो GF1 कंप्लीट होना चाहिए, या तो फिर आपका JP2 कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि पार्ट टाइम कोर्स, सेकंड ईयर वाला जो पार्ट टाइम कोर्स है आपका, वो अगर आपने कर लिया, फर्स्ट ईयर वाला पार्ट टाइम कोर्स और सेकंड ईयर वाला पार्ट टाइम कोर्स अगर आपने स्टीफन कॉलेज या दौलतराम कॉलेज से कर लिया, तो सेकंड ईयर वाला जो पार्ट टाइम कोर्स होगा उसके बाद आप GF2 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एंट्रेंस टेस्ट आपको तब भी देना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन एंट्रेंस टेस्ट आपको देना तो पड़ेगा, लेकिन इस बार आपकी इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग नहीं आएगी, इस बार आपकी टोटली जापानीज आएगी एंट्रेंस टेस्ट में, ठीक है। और ये ध्यान रखना, GF1 वाले जो बच्चे होंगे उनको भी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, एंट्रेंस जो टेस्ट होगा वो देना पड़ता है GF2 में आने के लिए, ठीक है। बाकी शायद ऐसा कुछ होता है कि GF1 में जिनके 80% से ज़्यादा मार्क्स है तो उनको नहीं देना पड़ेगा एंट्रेंस, बाकी जिनके 80% से कम मार्क्स है उन्हें GF2 का एंट्रेंस देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी होता है इसमें, तो कोशिश करना कि GF2 अगर आप कर रहे हो, GF2 के बाद आप GF2 में भी अप्लाई कर सकते हो JP2 करने के बाद, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत एक ये है कि JP2 अगर आपने कर रखा है, ठीक है, ओके, लेकिन ग्रेजुएशन आपको तब भी चाहिए,
है ना, ग्रेजुएशन तो आपकी होनी ही चाहिए, ग्रेजुएशन ना ही होगी तो आप डिपार्टमेंट में जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो एंट्रेंस टेस्ट जो इसका होता है GF2 का, वो किस तरीके से आता है जापनीज लैंग्वेज में, तो अगर आप उसका क्वेश्चन पेपर चाहिए आपको तो आप मुझे वहीं पे टेलीग्राम ग्रुप में आप मेरे को बोल देना, मैं वहाँ पे आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे फीस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पार्ट टाइम कोर्स की फीस तो होती है 20,000-25,000, इस हिसाब से चलती है। लेकिन GF1 और GF2 इन सब की, ये जो फुल टाइम कोर्स की फीस होती है वो आपकी 7,000-7,000 रुपये होती है। 7,000 GF1 में आपको देनी पड़ेगी, 7,000 GF2 में आपको देनी पड़ेगी। तो फीस तो इनकी ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत कम फीस पे ये पढ़ाते हैं, एजुकेशन देते हैं, और काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको वहाँ पे जाके देखने को मिलेगी या सीखने को मिलेगी। तो फीस उतनी नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है, गवर्नमेंट चलाती है। अब बात करते हैं यहाँ पे फुल टाइम कोर्स को, अगर हम जैपनीज के JLPT लेवल जो होते हैं उससे हम कंपेयर करें, तो जो इंटेंसिव डिप्लोमा होगा आपका फर्स्ट ईयर ही, मतलब JF1 जो होगा आपका एक साल का होता है, ड्यूरेशन इसकी एक साल की होती है, तो एक साल की होती है, तो इसका जो कोर्स होगा ये आपका N4 लेवल, JLPT N4 लेवल को कवर करेगा। एक साल में ही आपको N4 तक पढ़ा दिया जाएगा, देखो, ठीक है। तो क्योंकि फुल टाइम कोर्स है तो आपकी इनकी जो क्लासेस होती है वो लगभग 6-7 या 5-6 घंटे के आसपास चलती है ना, और रेगुलर चलती है, यानी कि अल्टरनेट चलेगी, रेगुलर चलेगी, ओके। उसके बाद आपका जो इंटेंसिव एडवांस डिप्लोमा जो होगा वो आपके, वो भी आपका एक साल का होगा, और उस वो आपका N3 लेवल, थोड़ा सा उससे अपर लेवल तक ही जाएगा वो, अच्छा, काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी मास्टर्स में आपका N1 N2 भी क्लियर हो जाएगा अगर आप सही से पढ़ते हैं तो, ठीक है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड आप पे करता है, टीचर्स आपको पढ़ा देंगे, उसके बाद आप कितना पढ़ते हो घर से जाके, सेल्फ स्टडी आपकी कितनी है, सब डिपेंड उस पे करेगा। बाकी आपका जो PhD है फिर तो भाई आपकी जो लैंग्वेज है वो अलग लेवल की होगी, ओके, ठीक है। तो ये सब आपका मैंने आपको बताया कि फुल टाइम कोर्स और पार्ट टाइम कोर्स जापनी लैंग्वेज में आप कर सकते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, अब आपको कौन सा करना है, क्योंकि अगर आपको फुल टाइम कोर्स में जाना है तो आपकी ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है, और अगर आपको पार्ट टाइम कोर्स में जाना है तो अब मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। तो फॉर्म्स इनके लगभग सेम ही टाइम पर निकलते हैं, बाकी जैसे मैंने बताया आपको ग्रुप है, आप वहाँ पे मेरे को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पे जब भी फॉर्म्स निकलेंगे आप मेरे से पूछते रहना, जब भी निकलेंगे मैं आपको बता दूंगा कि फॉर्म्स निकल चुके हैं, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर आज की वीडियो इतनी ही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।